नमस्कार, टेस्टी चटकारा में आपका स्वागत है। आज हम आपको केरी की चटनी बनाना बताते हैं। ये दो तरीके से बनाई जाती है, एक कच्ची और एक पकाकर। तो आइए हम उसके लिए आपको सामान बताते हैं। ये कच्ची केरी है, ये हल्दी है, ये मिर्ची है, ये नमक है, ये राई है, ये जीरा और ये सौंफ। सौंफ आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं डालें तो कोई बात नहीं, डालेंगे तो अच्छी लगेगी। और ये चीनी है। आइए अब हम हमारा तेल गर्म है, अब हम इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे। तेल बिल्कुल कम डालना, इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अब इसको तड़कने देंगे। थोड़ी सी सौंफ और डाल देते हैं हम इसमें, सौंफ इसमें अच्छी लगती है। हमारे जीरा राई और ये सारा तड़क गया है। अब हम इसमें ये केले डाल देंगे। मैंने इसके अंदर गुठली भी डाल दी, आपको नहीं डालने से नहीं डाले, लेकिन गुठली में गुदा लगा रहता है तो वो भी वेस्ट से नहीं जाता है, इसमें पका लेते हैं तो खाने में आ जाता है। जिस तरह आम को खाते हैं, आम की गुठली खाते हैं, उसी तरीके से ये भी खाने में आ जाती है। बस तो कुछ ही नहीं, बहुत जल्दी से बन जाती है ये। बस इसमें ऊपर से नमक मिर्ची अंडे डाल देंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। लेकिन बस हमें तुरंत इसमें नमक हल्दी मिर्ची डालूंगी। नमक थोड़ा कम ही डालें और फिर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया। थोड़ी चम्मी डाल दी इसमें, करीब आधा चम्मच। इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है, मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डालें। बाकी इसमें कम ही हल्दी मिर्ची नमक कम ही डाला जाता है, क्योंकि ये कोरी भी खाने में आ जाती है। अब इसको हम थोड़ी देर हिला लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के पकने लेंगे। देखिए अब हमने इसमें तो मसाले डालने के बाद दो तीन मिनट हिला लिया इसको, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे। जब ये गाढ़ी होने लगेगी उसके बाद हम चीनी डालेंगे इसमें। चीनी भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें। बस अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे इसको। अब हमने इस पे ढक्कन लगा दिया। अब ये बनेगी इतनी देर में हम कच्ची चटनी बनाना बता देते हैं। अब ये केरी है, ये डाल दी। अब इसके साथ आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, चाहे तो लाल भी डाल सकते हैं। मैं लाल डाल रही हूँ, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूंगी मैं, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। इसमें जीरा बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए हम जीरा भी डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे बारे में। ये देखिए हमने जो कच्ची चटनी बनाई थी जार में डालकर पीस ली, उसको अब हमने बॉल में निकाले। हमारी कच्ची चटनी खाने के लिए तैयार है। आइए अब हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए पक चुकी है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। गुड़ से अच्छी मीठी हो जाती है। मैं अभी इसमें चीनी डाल रही हूँ। अब इसको करीब 15 मिनट में बन चुकी है हमारी चटनी, और ज़्यादा कुछ समय भी नहीं लगता, फटाफट ही बन जाती है ये। अब इसको मैं थोड़ी सी चीनी को पकाने के लिए दो तीन मिनट इसको गैस को चलने दूंगी। अभी पक जाएगी, हमारी चीनी गल गई। एक दो मिनट में चीनी गल जाती है। बस अभी हमारी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए मीठी चटनी। इसको लौंजी भी बोलते हैं, कोई चटनी भी बोलता है। हम इसको गैस बंद कर देते हैं। ये पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, काई के भी साथ आपको खा सकते हैं। ये दोनों चटनी तैयार है। ये कच्ची चटनी है और ये पकी हुई चटनी है। आपको जो पसंद हो वैसे बना लें।